हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे मिक्स वेज के कोफ्ते, मलाई कोफ्ता। मिक्स वेज मलाई कोफ्ता बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर कैबेज लिए हैं, थोड़ा सा इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, छोटा टुकड़े में काट लिए हैं। डालेंगे कैरेट, ग्रेटेड कैरेट। यहाँ डालेंगे पनीर को ग्रेट कर लेंगे, और थोड़ा सा इसमें कोकोनट डालेंगे। इसमें कैबेज को डालेंगे, गाजर, शिमला मिर्च, कोकोनट। कोकोनट को भी इसको ग्रेट करके लिए हैं, कोकोनट को भी डाल देंगे इसमें। कोकोनट डालने से इसमें टेस्ट अच्छा आता है, तो थोड़ा ही डालेंगे। और यह है पनीर। इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली। सबको पहले मिला लेंगे। इसमें सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। इसमें डालेंगे मैदा, दो बड़े चम्मच इसमें मैदा ऐड करेंगे, एक चम्मच बेसन ऐड करेंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। कोफ्ते को इस तरह बॉल्स बना लिए हैं, ऐसे बॉल्स को अभी तेल में फ्राई करेंगे। कोफ्ते को फ्राई करके पहले रेडी करेंगे। सारे कोफ्ते को इस तरह तल के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे बे लीव्स, कुछ खड़ा मसाला, जिंजर पेस्ट, लौंग, इलायची, दालचीनी, सबको इसमें डालेंगे। साबुत जीरा डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे, हल्दी डालेंगे, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन पाउडर,
कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली, डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मसाला को थोड़ा भून लेंगे और इसका टमाटर, ऑनियन, ग्रीन चिली का पेस्ट इसको डालेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच काजू पाउडर, काजू पाउडर एक चम्मच, थोड़ा सा मसाला में मसाला का पानी ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ये मसाला भी तेल छोड़ने लगा है, देख सकते हैं, ये मसाला भून चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, पानी बॉयल होने लगा है, अब इसमें डाल देंगे कोफ्ते को, इतने ग्रेवी रखेंगे, ज़्यादा ये सूख जाएगा, कोफ्ते पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, तो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा इसको ग्रेवी रखेंगे, क्योंकि इसको इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मलाई, ये दूध का फ्रेश मलाई है, इसको ऐसे फेंट लेंगे, फेंट के इसको इसमें डालेंगे। मलाई डालने से इसका टेस्ट अलग सी उबर के आता है। इसमें मलाई डाले हैं इसलिए हम इसमें कोरिएंडर लीव्स नहीं डाल रहे हैं, अगर मलाई नहीं डालते तो इसमें कोरिएंडर लीव्स डालते हैं। तो इस तरह बन के रेडी हो गया भेज मलाई कोफ्ता। तो गैस को ऑफ कर देंगे, बन के तैयार हो गया भेज मलाई कोफ्ता। इसको आप मलाई बनाने के पहले कोफ्ते को हम ऐसे बना के भी तल के रख सकते हैं, जब ज़रूरत होगा तब हम ग्रेवी में इसको डाल सकते हैं, मेहमान आ जाए या पहले से हम इसको इस तरह बना के रखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी इसको जल्दी जल्दी रेडी करने के लिए कोफ्ते को पहले से बना के रखा जा सकता है। अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हुआ है और देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा
मलाई डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट हुआ है, जो ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद से इसको और ज़्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह वेज मलाई कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको पहले से कोफ्ते को बना के भी हम रख सकते हैं, बाद में ग्रेवी बना के उसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, इजी प्रोसेस है, बहुत घंटों बर्बाद नहीं होता है और अच्छा टेस्टी भी होता है।